हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका लॉग आउट अकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, आज की जो न्यूज़ है वो है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से संबंधित। तो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की जो परीक्षा समिति है उसके द्वारा भी कुछ दिन पहले एक बैठक आयोजित की गई थी, और बैठक में दोस्तों कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन महत्वपूर्ण निर्णय में तीन ऐसे निर्णय लिए गए जो छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाले हैं। तो क्या ये निर्णय लिए गए हैं दोस्तों, आइए चलते हैं पूरी न्यूज़ की तरफ और न्यूज़ को एक बार पढ़ लेते हैं। तो कहा गया है कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय नए सत्र यानी कि 2021 से असाइनमेंट परीक्षा ऑनलाइन कराने की सोच रहा है। यानी कि जो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की अभी जो असाइनमेंट की परीक्षा होती है वो ऑफलाइन तरीके से होती है, अब मुक्त विश्वविद्यालय अगले सत्र अगले सेशन से ये करने वाला है कि जो असाइनमेंट की परीक्षा होगी उसको ऑनलाइन तरीके से कराने वाला है। दोस्तों ऑनलाइन तरीके से कराने वाला, अब ये जो परीक्षा है वो ऑनलाइन तरीके से होगी कैसे और किस तरह से ये परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, तो ये भी हम अभी आपको बताने वाले हैं। तो उससे पहले न्यूज़ पढ़ लेते हैं एक बार। तो आगे कहा गया है कि विवी ने ऑनलाइन अध्ययन के बाद ऑनलाइन परीक्षा की ओर कदम बढ़ाने का निर्णय लिया है। विवी की परीक्षा समिति की बैठक में ऑनलाइन परीक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कुलपति प्रोफेसर ओपीएस नेगी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में तीन महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें पहला यह है कि अगले सत्र यानी कि 2020-21 से असाइनमेंट की परीक्षा ऑनलाइन कराने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक छात्र को एक लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया जाएगा। प्रत्येक विषय के लिए विवी के विषय शिक्षकों को समन्वयक नियुक्त किया जाएगा। छात्रों को विषयवार दिन व समय आवंटित किया जाएगा। छात्र अपने आवंटित तिथि एवं समय पर अपनी लॉगिंग में जाकर अपने प्रश्नों के उत्तर ऑनलाइन देंगे, उन्हें सबमिट कर देंगे। असाइनमेंट में ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प होंगे। किसी एक सही विकल्प का चयन कर ऑनलाइन जमा करना होगा। तो दोस्तों अगले साल से जो असाइनमेंट की परीक्षा है वो ऑनलाइन होगी। इसके लिए आपको दिया जाएगा एक लॉगिन आईडी, यानी कि एक आपको स्टूडेंट आईडी आपको दी जाएगी, और आपको डेट बता दी जाएगी कि इस डेट को आपकी क्या होगी असाइनमेंट की परीक्षा होगी। और जो परीक्षा होगी उसमें दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन होगा, उसके होंगे चार ऑप्शन, और उन चार ऑप्शनों में से केवल एक ऑप्शन सही होगा, और ऐसे ही कई प्रश्न होंगे। तो आपको जो सही ऑप्शन आपको लगता है उस पर आपको सबमिट करके अपने जो भी असाइनमेंट है उसको सबमिट करना होगा। ठीक है, पहला निर्णय तो ये लिया था उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा। अगला निर्णय ये लिया गया है कि जो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की अभी परीक्षा होती है, यानी कि अभी होती थी जो परीक्षा, वो होती थी दोस्तों तीन घंटे की परीक्षा होती थी। अधिकतर जो भी विश्वविद्यालय है वहाँ पे तीन घंटे की परीक्षा होती है। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में पहले तीन घंटे की परीक्षा होती थी। तो अब उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने ये कहा है कि जो तीन घंटे की परीक्षा है उसको क्या कर दिया जाए, अब दो घंटे का कर दिया जाए। तो परीक्षा का समय तीन घंटे से कम करके दो घंटा करने। प्रश्न मात्र दो तरह के होंगे इसमें, एक तो होगा आपका दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में से पांच प्रश्न होंगे जिसमें से आपको दो करने हैं, और लघु उत्तरीय प्रश्न में से आठ प्रश्न होंगे जिसमें से आपको करने होंगे चार। प्रक्रिया आने वाली परीक्षा से शुरू कर दी जाएगी, यानी कि जो अभी परीक्षा होने वाली है आपकी 2020 में, उसी में ये सिस्टम आपका लागू कर दिया जाएगा कि आपको आपकी दो घंटे की परीक्षा होगी। ठीक है, पहली बात तो ये होगी। तो दो घंटे की परीक्षा में पहला तो होगा दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो होंगे, आपके पांच प्रश्न दिए जाएंगे, उसमें से आपको पाँच में से दो करने हैं। फिर है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे आपके आठ प्रश्न होंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, और आठ में से आपको करने होंगे चार प्रश्न। ठीक है, तो ये निर्णय लिए गए हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा। तो आइए जान लेते हैं कि जो दो घंटे की परीक्षा है वो किस तरह से आपकी होगी। तो जैसा कि दिया है OU में, अब दो घंटे का पेपर, असाइनमेंट की होगी ऑनलाइन परीक्षा, विवी की समिति में लिए गए अहम फैसले। ठीक है, तो ये न्यूज़ भी एक बार हम पढ़ लेते हैं।
तो ये लिखा हुआ है कि अगला निर्णय ये ले गया है। दो निर्णय तो मैंने आपको बता दिए कि एक तो ऑनलाइन जो असाइनमेंट होंगे वो उनकी परीक्षा ऑनलाइन होगी, दूसरा 3 घंटे का पेपर जो होता था वो 2 घंटे का होगा। तीसरा निर्णय उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ने ये लिया है कि डिग्री अंतिम वर्ष की परीक्षाएं पहली होगी, यानी कि ये कहा गया है कि बैठक में तीसरा निर्णय परीक्षा समिति द्वारा यह लिया गया है कि यदि लॉकडाउन खुल गया और सारी व्यवस्थाएं सही रही तो परीक्षा समय पर पूरी करा दी जाएंगी, अन्यथा सभी डिग्री प्रोग्रामों के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं ही इस समय कराई जाएंगी, बाकी प्रथम द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं शीतकालीन परीक्षाओं के साथ संपन्न करवाई जाएंगी। तो विवि का ये भी कहना है कि सब कुछ सही रहा, लॉकडाउन की स्थिति और ना बढ़े और लॉकडाउन ना बढ़े तो सब सामान्य रहा तो सारे पेपर करा दिए जाएंगे, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हो या फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो या थर्ड ईयर हो, सारों के पेपर हो जाएंगे। लेकिन अगर समस्या और ज़्यादा ख़राब होती है, लॉकडाउन और बढ़ाने की दिक्कत होती है, तो वीवी का ये कहना है कि उस स्थिति में केवल जो अंतिम वर्ष में छात्र पढ़ते हैं केवल उन्हीं की परीक्षा होगी इस समय, यानी कि जुलाई में केवल उन्हीं की परीक्षा होगी जो अंतिम वर्ष में पढ़ते हैं, ठीक है, अगर स्थिति सामान्य नहीं हुई तो। और बाकी जो भी है फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर जो भी हैं उनकी परीक्षाएं कब होगी, शीतकालीन में होगी, यानी कि जो अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं उनकी परीक्षाएं नवंबर दिसंबर में होगी, तो उन्हीं के साथ ये वाली परीक्षाएं भी वो संपन्न करा देगा दोस्तों। तो यही है दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय जा रहा है, तो 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो दोस्तों ऐसे ही अगर आप एजुकेशन से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।